वी विल नॉट टॉक अबाउट टिप्स, अबाउट ट्रिक्स, अबाउट टेक्निक्स जो ज्यादातर हमको नेट पे मिलती है या बुक्स पे मिलती है, क्योंकि वो सब थियोरेटिकल है। तो हम कैसे करेंगे, हम प्रैक्टिकली देखेंगे जिससे हम सब रिलेट कर सकें। क्या आप लोगों की लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जिसको आप 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते? अब जरा उस भाई साहब या बहन जी के बारे में जरा सोचिए, ऐसा वो क्या करते हैं? और सिर्फ आप ही नहीं, देखो एक हो सकता है आपकी पर्सनल लड़ाई है, तो उस इंसान के बारे में मत सोचना। मैं बात कर रहा हूं ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आप क्या, मैं क्या, कोई भी 10 मिनट भी टिक करके बैठ नहीं सकता, इरिटेट होने लग जाता है कोई भी उनके पास जाता है। अब हमें क्या करना है, प्रैक्टिकली देखना है वो ऐसी क्या गलतियां करता है कि हम बात कुछ और कर रहे होते हैं, वो कुछ और ही बात कर रहे हैं जिसका उस बात से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, इसको ध्यान से समझना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, इसी को सीखना बोलते हैं। अगर इस तरह से आपने सीख लिया तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अब हम लाइफ को ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं। तो देख पा रहे हो अभी इन्होंने क्या बोला, सेंसलेस और मीनिंगलेस। मतलब क्या कि वहां पे एक डिस्कशन चल रही है 4 लोगों के बीच में, वो भाई साहब या बहन जी जो भी हैं वो एकदम से आए और समझा नहीं कि क्या बात हो रही है और एकदम से ही कुछ और ही शुरू हो गया। यानी they are too eager to tell their point of view। यही हुआ ना सेंसलेस और मीनिंगलेस, कि बिना समझे कुछ भी बोलना, कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझना कि अभी बात क्या चल रही है। जैसे हमारी बात अब यहाँ पर अभी क्या चल रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात चल रही है, आप एकदम से कोई और बात बीच में घुसा दो तो क्या होगा, आप बोलते रहोगे 10 मिनट तक लेकिन सब सोए हुए मिलेंगे। सामने वाला बंदा अगर नहीं सुन रहा है तो उससे बात करना बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। एज सिंपल एज दैट। जेन्युइन क्वेश्चंस पूछना जिसमें आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो सामने वाले में और वो बताने में भी इंटरेस्टेड है, दैट मेक्स सेंस। वहाँ पे मजा आता है, जिसको वो इंजॉय कर रहा है, ऐसी क्वेश्चनिंग अच्छी है। अभी जो आप लोगों की एज है, अपने को भी इंक्लूड कर दूं मैं इसमें, हमारी जो एज है इसमें हमारे आगे फ्यूचर ही फ्यूचर है, पास तो इतना है ही नहीं। एक आदमी जिसकी एज है 70 साल, उसका आगे फ्यूचर क्या है? देयर इज नो फ्यूचर, उनके पास पास्ट ही पास्ट है। तो ज्यादातर क्या होता है, अगर इन बातों को हमने सीखा नहीं है और समझा नहीं है इसी एज ग्रुप में, तो हमारी आदत ऐसी बन जाती है कोई भी बात हो रही होती है, हम कोई बात कर रहे हैं, एकदम से कोई आएंगे एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बीच में, वो अपना पास लेकर के बैठेंगे, लेकिन हमारे टाइम, हमारे जमाने में 10 रुपए के नोट से भी इतना कुछ हो जाता। रिलेट कर पा रहे हो? और एकदम से बाकी लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यानी अगर आप कभी भी किसी कॉन्वर्सेशन में अपने पास्ट को जबरदस्ती बीच में घुसेड़ते हो, तो एक बात अच्छे से समझ लो, किसी का इंटरेस्ट नहीं है आपके पास्ट में। कभी कभार एक आध बार कोई बंदा है, उससे कोई ऐसे डिस्कशन छिड़ गई है, पुराने स्कूल के यार दोस्त मिले वहां पर आप बात कर रहे हो, मेक सेंस। तो जबरदस्ती किसी के ऊपर चेप रहे हो, जैसे अपने बच्चे हैं या और कोई है, उनको जबरदस्ती उनको बताने की कोशिश करो, मेरे टाइम में मेरे इमीडिएटली डिस्कनेक्ट हो जाते। तो चेप को भी हमने डिफाइन किया, एक है अननेसेसरी क्वेश्चंस की बॉम्बार्डिंग करना, एक के बाद एक पूछते चले जाना, एक है अपने पास्ट को बीच में ला करके घुसेड़ देना, ये गड़बड़ काम है। तो ये हमें नहीं करना, हम अपना व्यू नहीं एक्सप्रेस कर पाते, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा क्यों होता है और इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है, अगर आप ध्यान से समझोगे, कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को जरूरत से ज्यादा समझदार समझते हैं। होता नहीं है कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है, बीच में पोलाइटली 2-3 लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक बंदा है वो जबरदस्ती चीख चिल्ला रहा है, उसने वैसे ही बोल दिया अगली बार तो ये सरकार आएगी, और तू क्या बता रहा है, मैं बताता हूँ ये सरकार आएगी, मतलब एकदम से अलग ही लेवल पे नहीं पहुंच जाते वो। ऐसे केसेस में क्या होता है, हम डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो समझ जाओ, जब भी आप डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको लगेगा कि ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, बिल्कुल घटिया है। सोचो आप कहीं किसी दुकान में गए हो कुछ खरीदने के लिए और वो सेल्समैन आपको डोमिनेट करने लगे, तो आप छोड़ दो, आप क्या देख रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है, गुस्सा नहीं आने लग जाता है? ऐसे होते हैं ना कुछ लोग। जब भी कोई हमको डोमिनेट करता है, चाहे वो कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, बड़ा हो छोटा हो, कोई भी हो, हमको जबरदस्ती डोमिनेट करने की कोशिश करता है, वो लोग हम नहीं आते। तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होने का मतलब क्या है, अभी तो हम ये पकड़ रहे हैं क्या नहीं है, डोमिनेट करना नहीं है। इसको थोड़ा और डीपली अगर हम समझने की कोशिश करें, जो कम्युनिकेशन वर्ड है ना, ये आया है कम्यून से। कम्यून का मतलब पता है क्या होता है, किसी को टू शेयर। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या, किसी को कन्विंस करना या शेयर करना, अपने थॉट्स को शेयर करना या अपनी बात को मनवाना, शेयर करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सुनते तो हैं
पहले तो अगर स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुनते ही नहीं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग। ऐसे लोगों को क्या कहोगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, बेकार है, कॉन्फिडेंस बहुत है, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, सूट बूट में आया कन्हैया, पर द मोमेंट जैसे ही बात होती है तो सब कचरा हो जाता है। ऐसा हुआ है लाइफ में कभी, देखा है? जैसे ही सामने वाला बंदा या बंदी मुंह खोलते हैं तो सारा रायता फैल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ध्यान से समझना, पीपल डोंट नो हाउ टू लिसन, सुनना नहीं आता है, बोलने में हर कोई इंटरेस्टेड है, और बिना सुने आप जो भी बोलोगे वो सब बकवास है। तो जो बकवास कर रहा है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को क्या कहो? तो सुनते कैसे हैं? इसके लिए क्या चाहिए? लिसन जो वर्ड है ना, उसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। लिसन में LIS होता है, उसको उल्टा करो, SIL हो गया, जो अल्फाबेट्स है उसको शफल करो, जो बाद वाले हैं, बन गया साइलेंट। तो जो लिसन वर्ड है उसी में लिसन कैसे करते हैं उसका आंसर है। यू कांट लिसन अनलेस एंड अंटिल यू आर साइलेंट। ज्यादा अच्छे से सुन सकते हो तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है उस बात को समझने की। जब बात को समझ करके आप कोई बात करोगे तो उस बात में दम होगा, बात में दम होगा तो सामने वाले सुनेंगे।